नमस्कार साथियों, स्वागत है शेर सपर्ते के एपिसोड में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की चर्चा बड़ी जोर पकड़ ली है और तीन नामों पे लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ये तीन नाम कौन है, कौन है ये तीन व्यक्ति, चर्चाएं क्यों इन तीन नामों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, और क्या ये सगुफा भर है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस पर सफाई दी है कि यह सगुफा है, और सफाई देने वालों में सबसे बड़ा नाम अमित शाह का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर के सफाई दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर उसने कहीं चर्चा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने उत्तराधिकार पर बोला, लेकिन योगी आदित्यनाथ की चर्चा कहीं नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो कहते ना गांव गांव घर घर तक और हर जगह पहुंच गया उत्तर प्रदेश के भीतर। जब अरविंद केजरीवाल कहे कि 75 साल के मोदी जी होने वाले हैं, अब वो बैठ जाएंगे, अब प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाएंगे, और वो वोट मोदी जी अपने लिए नहीं प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाने के लिए मांग रहे हैं, जब इस तरह की स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का आता है तो ये इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है। इस पे शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिए, अलग अलग बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं दिए, ठीक है, अलग अलग नामों पे उसके बाद अलग अलग चर्चाएं चलने लगे। आखिर वो कौन कौन से नाम, क्यों इन सारे नामों पे चर्चाएं हो रही है, कौन कितना मजबूत है, किसके नाम में कितना दम है। देखिए, एक बात तो पहले स्पष्ट करें कि केजरीवाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है तो अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये बात देश ने देखा। दूसरी बात, आखिर क्यों चर्चा हो रही है कि योगी के मुख्यमंत्री पद छूटने की, क्योंकि पसीने छूट चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा है उत्तर प्रदेश के रैली के भीतर, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की रैली में, चाहे वो जौनपुर अकबरपुर, ये कहाँ है, सब जगह। जब बनारस में एंट्री तक अभी नहीं हुई, बनारस में हालत खराब है, गाजीपुर, बलिया, घोसी, देवरिया, गोरखपुर में, सबके सब जगह। आप इस पूरे खेल को समझिए, वो जो खेल बोला गया है संत कबीर नगर से कि लात मार करके भगाया था, एक बहुत दूर तक की बात पहुंचा है, पूरे पूर्वांचल के ब्रह्मांडों के बीते उसने अपना अपमान से जोड़ लिया। इसमें संघ यहां तक मान रहा कि अगर वो इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है वो भी योगी को हटाना है। संघ इस बात को समझ रहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं, उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा हो कि उनको बैन कर दिया, और एक जमाने में बैन भी हुई थी आरएसएस बाबरी मस्जिद ढहने के बाद, और वो और संघ को सत्ता का सुख भोगने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए संघ इस पर जो है सीरियसली विचार कर रहा है। कास्ट इक्वेशन किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ के फेवर में नहीं बैठता है। सबको ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों के भीतर पूरी राजपूत बिरादरी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ने मतलब सत्ता के हर सुख का आनंद लिया, और वही लोग सबसे ज्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और एक और, धनंजय सिंह को साथ किया गया था अचानक से, और राजा भैया के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। और एक और खबर यहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारों से निकल रही कि योगी खेमे में अखिलेश के खेमे से हाथ मिला लिया है, यानी जो योगी खेमे के लोग हैं वो अखिलेश के खेमे से लगातार संपर्क में है, आपस में टच में है। ये सबसे चौंकाने वाला खबर है ये कि योगी के खेमा और अखिलेश खेमा ये दोनों कैसे मिल सकते हैं। योगी खेमे ने क्या कहा, योगी खेमे के लोग अखिलेश खेमे के लोगों के बीच में जो है वार्तालाप शुरू हो गया है, ऐसा राजनीतिक गलियारों से खबर आती है। कन्नौज में जब वोटिंग हो रहा था तो उस दिन पुलिस अचानक से न्यूट्रल कैसे हो जाती है, तो अधिकारी को भी ये बात पता होता है कि केंद्र में अगर सत्ता बदलेगी तो आईएएस आईपीएस की कुंडली तो केंद्र सरकार के पास रहती है, डीओपीटी उनके पास रहती है, सीबीआई उनके पास रहती है, ईडी उनके पास, आईटी उनके पास। अभी तक गैर भाजपाई राज के अधिकारी ही शिकार बने हैं, कई भी अभी जेल में हैं। जब इधर वाले सत्ता परिवर्तन होगा तो यहां पर भी कोई आईएएस आईपीएस उस समय को भापते हैं, अधिकारी भाप लेते हैं, कई लोगों की नौकरियां अभी 5 साल 10 साल मात्र बचा है। ये सारे लोग
कहीं ना कहीं फूल लेकर के पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और जो नामों की चर्चाएं हो रही है इस दौर में कास्ट फैक्टर के वजह से, तीन बड़ी नाम चर्चाओं में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत 2024 के लोकसभा चुनाव मिल जाती है, भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा अपने बलबूते पार अगर कर ले, तब एक नाम होता है जिसको हर कोई जान रहा है, पंकज चौधरी का नाम काफी तेजी में आगे से बढ़ रहा है। एक तो बीजेपी के नेता सांसद यहां तक एक भाषण में कहते हैं अपने मन से कि AK शर्मा जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब पंकज चौधरी के नाम क्यों सामने लाया जा रहा है कि उस कोर्मी मतदाताओं को कि एक बार आएंगे तब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कहीं कुर्मी वोटर के अंदर विचार भावनाओं पैदा करने की कोशिश तो नहीं है। करीब जब मोदी गोरखपुर जाते हैं, एक साल पहले गोरखनाथ पीठ ने जाकर के महाराजगंज जाते हैं, लेकिन पंकज चौधरी वही रहते हैं। पंकज चौधरी को कोई एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा ताकत कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक बात अगर बताएं कि क्योंकि चर्चा इन जिन नामों पे है कि कितना सच है कितना सगुफा, हमने स्टार्टिंग में कहा, इसी बात को समझने के प्रयास करते हैं, तो पंकज चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के रेस में इसलिए है कि कुर्मी मतदाता इस बार एक तरफा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। श्रेया वर्मा है गोंडा में बेनी बाबू की पोती, वहां पर एक और चौधरी साहब हैं अंबेडकर नगर, ये एक लाइन से कुर्मी पट्टी पूरी की पूरी साफ है उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के खिलाफ है। अब कुर्मी एक तरफा इंडिया अलायंस के साथ खड़े आ रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, तो कहीं ना कहीं पंकज चौधरी का नाम ला करके क्या ये एक क्या कितना इसमें सच्चाई हो सकता है। लेकिन एक बात और सच्चाई है कि क्योंकि पंकज चौधरी जो 1991 से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने हर तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS की मदद की है, ये उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं। इस बात को जब काफी लंबे समय तक जब कोई भी व्यक्ति सेवा करता है तो कभी ना कभी उनको मेवा मिलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इन सारे नाम पे अगर बात करें कि पंकज चौधरी के नाम पर क्या होता है कि ये केवल सेवा भर ही नहीं करते, जब नरेंद्र मोदी का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतना नहीं होता, यानी अब तो नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा मतलब मोदी, भाजपा ही नहीं अब तो नरेंद्र मोदी है केवल, तो उस समय नरेंद्र मोदी जब अखबारों के कोई 95-96 के दौर का जब अगर बात की जो अटल आडवाणी की जो भाजपा होती थी केंद्र में, तो पंकज चौधरी को किंग मेकर अखबारों के भीतर लिखा जाता था। जी हाँ, किंग मेकर यानी पंकज चौधरी वो लोकसभा चुनाव में 2-4-5 सीटों पर तय करते थे कि किसके किसके नाम को रिकमेंड करवाना, विधानसभा के भीतर दर्जन भर जो ऊपर MLA को टिकट दिलवाते थे कि योगी आदित्यनाथ की भी क्षमता उतना नहीं रही बीजेपी में। लेकिन समय के साथ पहिया घूमता है और वो हाशिए पे ढकेले गए नरेंद्र मोदी और शाह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, ये बात समझना पड़ेगा। इन्होंने पंकज चौधरी मदद बहुत किए हैं, इन्होंने मदद की पार्टी को भी खड़ा करने में काफी मदद किया, लेकिन इनको हाशिए पे इसी इरादे हाशिए पे डाला गया। अब क्या है ऐसे में कि पंकज चौधरी केवल एक ATM है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे बात की जाती है, नरेंद्र मोदी की भाषण में अपने बाबा साहब अम्बेडकर कहीं पर नजर नहीं आते, लेकिन जब माला चढ़ाना था तो अम्बेडकर के नाम पर दलित मतदाताओं का ATM, उसे पंकज चौधरी का इस्तेमाल कहीं ना करना चाहते हो, इसलिए ये नाम कहीं ना कहीं कितनी सच्चाई है। लेकिन अगले नाम की अगर बात करें, दूसरा नाम हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्या की भी लॉटरी लग सकती है, जो 2017 में लॉटरी लगते लगते उनकी डूब गई थी, उसके पीछे भी आप ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि चुनावी समीकरण छठे और सातवें चरण की वोटिंग में मौर्या मतदाता सबसे महत्वपूर्ण है और गाजीपुर के भीतर कुशवाहा समाज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से ठंडा करने की कोशिश है। लेकिन इनका केशव प्रसाद मौर्या का कितना समीकरण काम करेगा ये बात तो अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक नाम आता है जो सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य क्या होता है, वो राजनाथ सिंह का नाम आता है सामने। राजनाथ सिंह के पीछे संघ की और बीजेपी की प्लानिंग ये होती है कि राजनाथ सिंह अगर आ जाएंगे तो समाज में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नाराजगी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी,
वो इतने एग्रेसिव होके राजनाथ सिंह उतना एग्रेसिव होकर नहीं बच, क्योंकि विपक्ष के भी राजनाथ सिंह के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, तो हर आदमी से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। जो एक अच्छा राजनाथ सिंह, एक बात और है कि बहुत ज्यादा जातिवाद भी नहीं माने जाते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा जो डर आरएसएस को, संघ को लगा या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, इस बार एक तरफा जो मुस्लिम समाज वोटिंग कर रहा है उससे घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। पिछली बार क्या होता है, विधानसभा चुनाव के भीतर मुस्लिम वोटर का वोट विधानसभा में 90-93% तक गया था और 5-7% वो भाजपा की तरफ गया था, जिसके तरफ से भारतीय जनता पार्टी